हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर हैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो ये टॉपिक का नाम है हमारा कॉलम। तो आइए इसको हम चालू करते हैं। तो कॉलम जो है, देखिए सबसे पहले इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक्सियल कॉलम, दूसरा है आपका यूनि एक्सियल कॉलम, तीसरा है आपका बाई एक्सियल कॉलम। ये आपका टाइप पे है। अब आपका क्या है, साइज के बेस पे भी हम इसको देखते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग और आपका आता है पेडेस्टल। शॉर्ट कब होगा, जब आपका लैम्डा, लैम्डा मतलब सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो यानी कि लैम्डा की जब वैल्यू 3 से ज़्यादा हो या 3 के इक्वल हो या फिर 12 से कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। मीडियम कॉलम कब होगा, जब आपका ये 12 के इक्वल हो जाए आपकी लैम्डा की वैल्यू, तो वो मीडियम कॉलम होगा। लॉन्ग कॉलम कब इसको बोलेंगे, जब लैम्डा की वैल्यू 12 से ज़्यादा हो जाए तब हम उसे लॉन्ग कॉलम कहेंगे। और पेडेस्टल एक होता है आपका, ये केस तब आता है जब आपका लैम्डा की वैल्यू 3 से कम हो जाए, तब हम इसे पेडेस्टल कहते हैं। अब देखिए लैम्डा मतलब सिलेंडरनेस रेशियो, इसको हम निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला है इफेक्टिव लेंथ अपॉन में लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब आपका बी यानी डेप्थ और विड्थ, जो आपका सबसे मिनिमम होगा वही लीस्ट लेटरल उसका डायमेंशन होगा। आरसीसी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जब आप सोम और स्टील पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव सपोर्टेड लेंथ अपॉन में रेडियस ऑफ जायरेशन वाले फॉर्मूले को करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम का। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी उस चीज़ को कहते हैं जब आपका एक्सिस रहता है, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे अगर आपका लोड लग रहा है तो वो डिस्टेंस को ही आपका इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ई मिनिमम दिया हुआ है, ये इतना होना चाहिए। इन दोनों वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ई मिनिमम मानेंगे। एल बाई 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाई 30 या फिर 20 mm, इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम ई मिनिमम की वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब आता है ई मिनिमम को हम चेक करना है। यहाँ से जो ई मिनिमम की वैल्यू आएगी वो आपका 0.05 d, डी मतलब आपका होता है वहाँ पे जो भी लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगा उस वैल्यू को हमको लेना है और उसको रखना है, और इसका जो वैल्यू आएगी वो ई मिनिमम के बराबर हो या इससे बड़ा होना चाहिए। ई मिनिमम का वैल्यू हमेशा इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आईएएस कोड अगर वैलिड है तब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आईएएस कोड में पेज नंबर 42 में जा करके या फिर क्लॉज नंबर 25.4 में जा करके आपको ये वहाँ पे मिलेगा। आप इसको आसानी से वहाँ से आप देख करके आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, आपको याद करने का झंझट नहीं होगा। इस शॉर्ट एक्सियली कॉलम में ही हमारा अगला पॉइंट है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के लिए हम कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है PU इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, मतलब आपको 40% FCK का लेना है और 67% आपको FY का लेना है। यहाँ पे PU क्या है, तो ये एक्सियल लोड है। FCK क्या है, तो ये करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है। AC आपका क्या है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है। FY आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका रेनफोर्समेंट का। फिर आपका ASC क्या है, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, या हम इसको मेन बार भी कह सकते हैं, उसका एरिया है ये। ये भी फार्मूला आपको IS कोड में गिवेन है, आपको क्लॉज में जाना है 39.3 या फिर पेज नंबर आप जाइए 71 में, वहाँ पे आपको ये फार्मूला आसानी से मिल जाएगा। आपको अलग से इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी तब जब आपके एग्ज़ाम में IS कोड 456-2000 वैलिड हो। AG इक्वल टू आपका होता है ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। AG जो आपका है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट और एरिया ऑफ स्टील, जो आपका इन दोनों के ऐड से बनता है AG। जब आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो यानी कॉलम का सेक्शन रेक्टेंगुलर हो तो आपका AG का फार्मूला होगा B इंटू D यानी एरिया। जब आपका सर्कुलर सेक्शन हो तो AG का फार्मूला होगा π/4 इंटू D स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो किसी भी फॉर्म में आप या तो B का स्क्वायर लगाइए या तो फिर आप D का स्क्वायर। यहाँ पे जो B है वो विड्थ को डिनोट करता है और जो D है वो डेप्थ को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे जो D है वो डायमीटर को डिनोट कर रहा है कॉलम का। अब हम जब भी डिज़ाइन करते हैं कॉलम को तो डिज़ाइन ऑफ 1% स्टील लेते हैं, किसका, AG का, ग्रॉस एरिया का। तो ASC इक्वल टू होता है पॉइंट जीरो
0.1 AG और AC इक्वल टू होता है 0.99 AG, मतलब 99% आपका कंक्रीट का एरिया होगा और 1% आपका किसका होगा, स्टील का एरिया होगा उस कॉलम के सेक्शन में। नंबर ऑफ बार का फार्मूला यहाँ पे आएगा n इक्वल टू जितना आपका एरिया स्टील का है उसमें हम डिवाइड कर देंगे एक बार के एरिया को। फिर आपका आता है लेटरल टाइज, इसी को हम कहते हैं स्टीरअप। इसमें हम पहला पॉइंट निकालते हैं डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, मतलब आपको कितना डायमीटर लेना है, वो कैसे चूज करना है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर है यहाँ पे 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ मेन बार, मतलब मेन बार जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं मेन स्टील बार, ठीक है, उसके डायमीटर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर है आपका आता है 6 mm, ये हमें IS कोड डिनोट करता है, ये हमें देता है। इन दोनों में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो वैल्यू हम लेंगे डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। फिर अगला है आपका स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज। अब हमको क्या है, हम यहाँ पे डायमीटर तो निकाल लिए लेकिन हम वहाँ को स्पेसिंग कितना लेंगे। तो पहला नंबर है आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, जितना आपका उस मिनिमम डायमीटर आपका होगा, जो चाहे आपका उसका विड्थ हो, चाहे उसका डायमीटर हो, चाहे उसका लेंथ हो, जो भी आपका सबसे कम डायमेंशन होगा वही आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन फर्स्ट वाला होगा स्पेसिंग के लिए। सेकेंड हम लेते हैं 48 × φ टाई, मतलब डायमीटर ऑफ टाई 48 टाइम्स आप क्या करेंगे, जो फाई का भी हमने डायमीटर निकाला उसको इसको इंटू करेंगे 48 से। फिर आपका होगा 16 × φ मेन, मतलब जो आपका मेन डायमीटर है आपका स्टील का उसको हम लेंगे। इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी वही हमारा क्या हो जाएगा स्पेसिंग उस लेटरल टाइज के लिए हम ले लेंगे। तो ये वीडियो में इतनी ही, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।